वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है सॉल्व द इक्वेशन। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 9x बाय 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15। हमारे पास x वेरिएबल है, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम एक तो ये भी काम कर सकते हैं कि हम कह दें कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 7 माइनस 6x इधर भी, और फिर इधर भी मल्टीप्लाई करवा दें 7 माइनस 6x से। तो फिर इससे क्या होगा, 7 माइनस 6x इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। या हम ये भी कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दें। तो यहाँ पर तो 9x है, ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करवा देते। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते थे, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आप लिख लें, ठीक है, बेशक यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दें। या हम लिख ही लें, यहाँ पर लिख दूँ, छोटा सा लिख देते हैं, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दें। 9x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 9x ही आ जाएगा, और इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो 15, और 7 माइनस 6x से मल्टीप्लाई होना है, 15 है, तो 7x माइनस 6x को हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, क्योंकि 15 है, दोनों से मल्टीप्लाई होना है, इस तरह मल्टीप्लीकेशन है ना, तो दोनों से होना है, इसलिए हमने 15 को बाहर रखा और 7 माइनस 6x को अंदर रख लिया। 9x का 9x आ जाएगा, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आता है, तो हमारे पास आता है 105, और माइनस का माइनस 15 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 90 आता है। 15 को 6x से करवाना है तो 90x आ गया, सही। अब हमारे पास x वेरिएबल है, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 9x को हम यहीं पे रहने देंगे। ये जो माइनस 90x है, इसको भी हम यहाँ पर ले आएंगे, और यहाँ पर ये यह आके क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा। आपको पता है ना, इक्वेशन में इक्वल होता है जब भी हमारे पास इस साइड से लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर कोई टर्म जाती है, या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर कोई टर्म आती है, उसका साइन चेंज हो जाता है, पता है इस बात का। 105 यहीं पर रहेगा, ओके, कौन सी टर्म यहीं पर रहेगी, ये जो वेरिएबल टर्म थी वो यहाँ पर आ गई। 9x और 90x है, प्लस सी हो जाएंगे, 90 में 9x को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 99x, ऐसा ही है, और यहाँ पर 105 आ गया। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x यहीं पर रहेगा और 105 भी यहीं पर रहेगा, और 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है तो हम कर देते हैं, अगर हम 2 से करें तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों इवन नंबर्स हैं, 2 ऑड नंबर हैं, 2 से कट नहीं होंगे। 3 से यस, ये भी कट हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, कैसे, क्योंकि डिविजिबल बाय 3 है, वो मुझे कैसे पता। 1 में 5 को प्लस करें तो 6 आता है, 1 में 0 तो प्लस करें तो 1, 1 में 5 प्लस करें तो 6 आता है, तो 3 के टेबल में 6 आता है, तो पूरा नंबर भी 3 से कट हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल पता है आपको, नहीं पता तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल के नेम से प्लेलिस्ट बनी होगी, वो आप वहाँ पर देखें, आपको पता चल जाएगा, बहुत ईजी होते हैं, उससे समझ आ जाती है। जैसे मुझे डायरेक्ट पता चल गया 3 से कट हो रहा है, ठीक है, समटाइम्स स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता, तो अगर आपको रूल्स पता होंगे तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर ये 99 तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों को 3 से कट कर देते हैं, ठीक है। जब भी हम कटिंग करते हैं सेम टेबल से करते हैं ना, 3 के टेबल में 9 आता है, 3 जार, 3 के टेबल में 9 आ गया, 3 जार, और यहाँ पर 105 डायरेक्ट 3 के टेबल से कितने टाइम्स आता है, यहाँ पर अगर पता तो लिख लें, नहीं पता तो इस तरह सॉल्व कर लें कि 3 के टेबल में हमारे पास 10 नहीं आता, 10 से छोटा 9 आता है, तो हम 9 को सॉल्व कर लेते हैं, 3 के टेबल में 9 आता है, 3 जार। अब यहाँ पर 10 था लेकिन हमने तो 9 को सॉल्व किया, इसका जो 1 है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, बन गया 15, याद रखेंगे क्या बन गया, 15, 3 के टेबल में 15 आता है, 5 जार, तो हमारे पास ऊपर 35 आ गया और नीचे 33 आ गया। अब ये जो है 3 से कट जाता है लेकिन ये नहीं कटता, ये 5 से कटता है तो ये 5 से नहीं कटता, ये 11 से कट जाता है तो ये 11 से नहीं कटता, ठीक है, ये 7 से कटता है तो ये नहीं कटता, इसलिए दोनों अब जो फर्दर नहीं कट होंगे किसी सेम टेबल से, ठीक है, सेम टेबल से कटिंग करनी होती है, तो यही आंसर आ गया, x की वैल्यू फाइंड आउट होगी, सही। तो ईजी था ना, बस हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो वो फाइंड आउट हो गई है। मैंने और भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं सॉल्व द इक्वेशन पर, ठीक है, लीनियर इक्वेशन पर भी बनाई हुई है कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ हैं, ठीक है, और जिसमें इक्वेशन को सॉल्व करते हैं चेक भी करते हैं तो वो वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, और सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो भी बनाई हुई हैं। तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, सॉल्व द इक्वेशन के नेम से प्लेलिस्ट होगी, ठीक है, तो उधर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको कोई और भी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करना या कोई भी इससे रेलिवेंट वीडियो, तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं जैसे टाइम मिलेगा मैं बना दूंगी आपकी रिक्वेस्ट पर, ठीक है। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।